भगवत स्वरूप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। भगवान हैं नित्य लीलालीन श्रद्धे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते हैं। याद रखो, श्री भगवान हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, वे सर्वथा ब्रह्म प्रमाद रहित हैं और ऐसे भगवान तुम्हारे सुहृद हैं, तुम पर सदा अहित की कृपा रखते हैं। इस बात को न जानने और इस पर विश्वास न करने के कारण ही तुम अशांति तथा दुख भोग रहे हो। याद रखो, जो सर्वशक्तिमान हैं उनमें सब कुछ करने की सामर्थ्य है, वे जो चाहें कर सकते हैं, उनकी शक्ति कहीं परास्त नहीं होती, उनकी शक्ति की क्रिया को कोई भी रोक नहीं सकता। याद रखो, जो सर्वज्ञ हैं वे भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातों को जानते हैं। तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी क्या यथार्थ आवश्यकताएं हैं, तुम्हारा किस बात में वास्तविक हित है, किस में अहित है, इसका उन्हें पूरा पता है। याद रखो, जो सर्वलोक महेश्वर हैं वे सबके शासक हैं, प्रकृति का सारा साम्राज्य उनके अधीन है, वे सारे लोगों के ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं, उनके संकल्प मात्र से अनंत विश्वों का निर्माण और संहार होता रहता है। याद रखो, जो ब्रह्म प्रमाद रहित हैं उनसे कभी न तो भूल हो सकती है न प्रमाद हो सकता है, उनकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान संपन्न भूल रहित और प्रमाद शून्य होती है। याद रखो, ऐसे भगवान तुम्हारे सहज सुहृद हैं, इसलिए नहीं कि तुम उनकी भक्ति करते हो, तुम भक्ति करो या न करो, तुम सेवा करो या न करो, तुम एक जीव हो और वे जीव मात्र के सहज बंधु हैं, बिना ही हेतु प्रेम करते हैं तथा सदा सर्वदा तुम्हारा हित करने के लिए प्रस्तुत हैं। याद रखो, भगवान की यह प्रीत यह कृपा अनंत है, अपार है, सर्वथा अमृतमयी है, सर्वथा मंगलमयी है और बिना ही किसी कारण सहज ही सब पर नित्य बरसती रहती है। पर जो इस पर विश्वास न करके इससे विमुख होकर अपने को सदा अवैध तथा अबाध विषय सेवन की काल कोठरी में बंद रखते हैं, वे इससे वंचित रह जाते हैं, इसी से वे सदा अशांत और दुखी रहते हैं। याद रखो, संसार में ऐसा दूसरा कौन है जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वलोक महेश्वर तथा नित्य ब्रह्म प्रमाद रहित होते हुए भी तुम जैसे नगण्य तुच्छ प्राणी को कभी न भूलकर तुम पर अकारण ही स्नेह करता हो और तुम्हारा मंगल करना चाहता हो। याद रखो, तुमको जब संसार के किसी साधारण अधिकारी से, साधारण धनी से, साधारण समत पुरुष से और साधारण विवेकशील से आश्वासन मिल जाता है, तब तुम अपने को निश्चिंत मान लेते हो और उनके कृतज्ञ हो जाते हो। याद रखो, संसार में सभी की शक्ति सीमित है, जो है वह भी अनित्य है और सभी से भूल भी होती है, साथ ही वे तुम्हारे अहित्यक सुहृद नहीं हैं, उनके सौहार्द तथा प्रेम में कोई न कोई हेतु होता है, पर भगवान तो इससे सर्वथा विलक्षण हैं। वे स्वयं कहते हैं कि जो मुझको ऐसा जान लेते हैं उन्हें शांति मिल जाती है। याद रखो, भगवान की इतनी सहज कृपा होते हुए भी यदि तुम उस पर विश्वास न करके वंचित रह जाते हो, उस पर बिना किसी शर्त के अपने को सर्वथा छोड़कर जीवन को सफल नहीं बना लेते हो, उस पर निर्भर करके जीवन की परम साध को पूरी नहीं कर लेते हो, तो तुम बड़े ही अभागे हो। याद रखो, मानव जीवन का ऐसा स्वअवसर बार बार नहीं मिलता,
अतएव भगवान पर, उनके सौहार्द पर विश्वास करके सफल जीवन बन जाओ। न प्रमाद करो, न विलंब करो। यह मानव जीवन का अवसर हाथ से निकल गया तो फिर सिवा पश्चाताप के कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब श्री राधा माधव के भावपूर्ण स्मरण के साथ बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, जय जय श्री राधे।